तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ से कि मटेरियल कितने तरह के होते हैं, अपने मटेरियल कितने तरह के होते हैं देख लो। कौन जी कौन सा है? पहला है जिससे हम लोग जिसको हम लोग खूब पसंद करते हैं, कंडक्टर, जिसके पास खूब सारा मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। इसके कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन? कंडक्टर जी में बहुत सारा मतलब सपोज करो कि एक एक दो बात समझ लेना है कंडक्टर के बारे में। अगर कंडक्टर, ये सबको आवाज आ रही है ना अच्छे से? हम आगे यस बढ़े? यस ठीक सर ठीक यस सर कंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो कंडक्टर को समझना कि मान लो कि अगर तुम रूम में हो, है ना, एक सिलिंड्रिकल रूम में हो और तुमको दिख रहा है कि बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, गैस के पार्टिकल्स हैं। समझ लो कि ये एक मेटल का कंडक्टर है और ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि आराम से मूव कर सकता है इधर 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 इधर, है ना। इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या इसको? रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन बोलते हैं इसको, है ना। सवाल यहाँ तक, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर में एकदम मस्त आजाद होके घूमता है, उसको कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। आ रही बात समझ में? यस सर और ये इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है वो होता है बहुत ही लूजली बॉन्ड। तो अगर इसको थोड़ा और बेटर में समझना चाहते हैं, एक एटम है, दूसरा एटम इतना सटा हुआ है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले से मूव करते हुए इधर घुस गया। आ रहा है समझ में? ऐसे घूम गया। अगर कोई बगल में तीसरा एटम हो तो इसमें घूम रहा है, चौथा एटम हो तो उसमें घूम रहा है। तो देखो कर रहा है ना जैसे जैसे मोशन, मेरा पेन देख लो, बेढंगा तरीका से मोशन कर रहा है ना। यही इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। हम इसे कह देंगे ब्राउनियन मोशन है, रैंडम मोशन है, और है जो है यही है अपना कंडक्टर। इसमें हर समय इलेक्ट्रॉन गैस के पार्टिकल के तरह, जैसे हमारे रूम में जो हमारा रूम है जहाँ पर ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर गैस के पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, उसी तरह से कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। कोई सवाल किसी को? नो सर नो सर। और एग्जाम्पल तुम लोग को पता है, ये सब तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो तो पता होगा, है ना, ये जी भी होगा, है ना, ये सब हमारा मेटल जो भी होते हैं कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर्स के बारे में बात कर रहा है जिसमें ये फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन इतना लूजली बॉन्ड नहीं होता है, वो घूमता ही नहीं है, घूम ही नहीं सकता दूसरे में, अपने ही एटम में घूमते रह सकता है, या फिर कह सकते एक एटम से दूसरे एटम के बीच में इतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होता है, गैप नहीं बता रहे, एनर्जी डिफरेंस तगड़ा वाला है, तो इलेक्ट्रॉन इसी में घूमते रह जाता है, उसमें घूम नहीं करता। इस चक्कर में उसका रैंडम मोशन हो नहीं सकता, इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलेटर। इसमें कोई भी लूजली बॉन्ड नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, ये टाइटली बॉन्ड होते हैं। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक, नो रबड़, वुड। आ रही बात समझ में? अपना है प्यारा दुलारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेमी कंडक्टर। कौन है? सेमी कंडक्टर, जो कि हम लोग पढ़ेंगे जा करके, जब सब खत्म हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगा, है ना, जब कोरोना भाग जाएगा तब हम लोग सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे। इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कोरोना भाग ही जाएगा, है ना जी। यस वो सर आंटी, बस वो आंटी को बुलाना पड़ेगा जो थाली वाली है ना, गो कोरोना गो कर रही थी, ठीक है, अभी गो पाए हैं। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर आर द मटेरियल्स विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन बट वेरी लेस इन नंबर। लिखा है क्या इसमें? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इतना नहीं होता है कि वो करंट को कंडक्ट कर सके, या फिर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट को लेके जा सकता है ये, जिसको कि हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, है ना, ये सब हमारा सेमी कंडक्टर है। कोई सवाल? इसमें कि इस नो तरह से सर ये फैसिलिटी नहीं है कि गैस के पार्टिकल के तरह इलेक्ट्रॉन भाग रहा ना, है इसमें भी है फ्री इलेक्ट्रॉन लेकिन उतना नहीं है।
जैसे अगर हम यहाँ पर करंट को अज्यूम करें तो ये हमारा करंट मिली एम्पियर में मिलता है, मिली एम्पियर के रेंज में मिलेगा 10 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। अरे वो समझे, कंडक्टर के केस में, सेमी कंडक्टर के केस में तुमको माइक्रो एम्पियर के रेंज का करंट मिलेगा, यानी कि 100 गुना कम। अरे वो समझे, तो दिक्कत नहीं है ना, करंट मिलता है सेमीकंडक्टर केस में, लेकिन ये माइक्रो एम्पियर के रेंज में करंट मिलता है। ये बात समझ में आया? हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर। जो बॉडी को चार्ज करने के तरीके हैं वो बहुत सारे हैं ना, फ्रिक्शन से कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन से, कंडक्शन से, इंडक्शन से, थर्मोनिक इमिशन, आयोनाइजेशन है, या है ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और फील्ड डिवीजन है। चलो देखते हैं क्या करके। पहला है हमारा फ्रिक्शन। क्या है फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन में किसके लिए एप्लीकेबल है ये बात देखो ध्यान से। इंसुलेटर के लिए। किसके लिए है? इंसुलेटर। हाँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहला कंडीशन यूज किए हैं कि सिल्क का जो क्लॉथ है ना, ये क्या है, सिल्क क्लॉथ, जो पीला वाला दिख रहा है ना, ये सिल्क क्लॉथ है और ये हमारा ग्लास का रॉड है। क्या है? ग्लास रॉड। हमने सिल्क क्लॉथ में ग्लास रॉड को रब किया तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चले गए होंगे, इस कारण से बेचारा गम में चला गया होगा। ये हुआ होगा क्या? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया तो ये गम में आ गया और ये खुश हो गया। देखो ये खुश हो गया क्या, और ये हमारा गम में चला गया क्या रॉड? आ रही बात समझ में? यहाँ पर वही है कि अगर हम सपोज करते हैं कि ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सिल्क जो है इलेक्ट्रॉन को बहुत ही रिजिडली टाइटली पैक कर सकता है, जकड़ के रख सकता है, मगर जो रॉड के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिजिडली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड नहीं या लूजली बॉन्डेड है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाता है। इस कारण से देखो कहीं पर गम हो छा गया, कहीं खुशी छा गया, यही है ना, कभी खुशी कभी, है ना। अरे एनर्जी हो गया ना, दो बॉडी चार्ज्ड हो गया ना। इस पर तो कितना डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना, इस पे तो हमको ज्यादा डिस्कस करने को मतलब बनता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे प्रोसेस में मास दोनों ही बॉडी का सेम है कि अलग अलग है? अलग है सर। कैसे से? सर ग्लास रॉड का अलग होगा, सिल्क क्लॉथ का अलग होगा। ऑब्वियस है। नहीं नहीं, अरे इस पूरे प्रोसेस में मास अलग हुआ कि सेम हो गया? अच्छा मतलब चेंज चेंज नहीं हुआ। हाँ, चेंज नहीं हुआ, मास मास सेम है ना, मास कंजर्व रहता है। हाँ मास कंजर्व रहता है। यस सर। पूरे भैंस का, इतना सा भैंस नहीं है, पूरा पूरे भैंस। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर हुआ तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ वजन को नहीं लेके गया होगा? यस सर, लेके गया होगा। इस पर कितना डिस्कस किया तुम लोग, कुछ नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब है ना। तो ऑब्वियसली इसका जो वजन होगा, यहाँ पर जो मास होगा, यहाँ पर जो मास होगा, इसका तो कम हो गया होगा, इसका ज्यादा हो गया होगा। सिल्क क्लॉथ का वजन तो बढ़ गया होगा ना भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन घुस गया है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी तो लेके आया है। यस सर। इस पर कितना डिस्कस कर चुके हैं, पर ऊपर कोई करें। चलो ठीक है, अगला हम देखते हैं कंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर ही हम लोग को बहुत सारा चीज सीखना है यहाँ से। कंडक्शन ये किसके लिए, ऑब्वियसली नाम है कंडक्शन, तो किसके लिए होगा? कंडक्टर। कंडक्टर के लिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर क्या स्थिति है कि अगर हम मान लेते हैं एक बॉडी को, एक बॉडी एक कंडक्टर है, इस बॉडी को हमने किसी एक रॉड के साथ में जा करके टच करवा दिया, बोले जाओ सट जाओ। इस पर हम लोग एक इस भी बात कर चुके हैं, चार्ज कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम टू लिक्विफाइड पेट्रोलियम, है ना, ऐसे जाता है जी। यस सर। ये चार्ज का फ्लो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, इससे ये तब तक होते रहेगा जबकि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये होता है।
कोई सवाल है इसमें? नो सर। नहीं है, चलो ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर पहला एग्जांपल ले रहे हैं, तो ध्यान से है ना, एक ये है हमारा चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, और ये है हमारा यहाँ पर एक न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल आइडेंटिकल स्फीयर है, कैसा ये न्यूट्रल आइडेंटिफिकल न्यूट्रल आइडेंटिकल स्फीयर है, यहाँ पर ये हमारा चार्ज है, कैसा ये चार्ज्ड स्फीयर है, इस पर प्लस में 8 कूलम का चार्ज है और ये हमारा न्यूट्रल है, और अभी हम क्या करते हैं, दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते, तो क्या होगा यहाँ पर अगला पिक्चर क्या हो जाएगा, दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा क्या? अरे बोलो ना जी। यस सर। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, जैसे हम कंडक्टिंग वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, अब पोटेंशियल सेम हो, और इवन कमाल का बात ये है कि हम एज्यूम करके रखे कि दोनों का दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, कैसा ये आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर है ये, और जब आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर है तो हम ये कह सकते हैं दोनों पे चार्ज जो है हमारा सेम आ जाएगा बाद में, यानी कि इस पर आ जाएगा प्लस में 4 कूलम्ब और इस पर हो जाएगा प्लस में 4 कूलम्ब, कह सकते हैं बात? यस सर। अरे इस पे देखो ना डेफिशिएंसी है ना, दो इस ये 8 गम में है, ये 0 गम में है, कहेगा कि हम दोनों चलो गम बांट लेते हैं, चलो ठीक है हम दोनों 4 कूलम्ब रख लेते हैं गम, तुम भी 4 गम रख लो, कह सकते हैं ये बात? यस सर। इससे क्या हुआ कि चार्ज का फ्लो इधर से हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से हुआ, इस पर खूब डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में, ऐसा नहीं किया हो चुका है ना जी? अरे बोलो ना जी। यस सर। सब बात ये, अगला एग्जांपल देखो, मान लेते हैं अगर हमने एक स्फीयर लिया, ये एक और स्फीयर लिया ये है ना, इस पर अगर हम लेते हैं प्लस में 8 कूलम का चार्ज और इस पर हम लेते हैं प्लस में कितना, चलो 12 कूलम का चार्ज, इतना ले लिया है ना, इस पे हम प्लस कूलम, प्लस में 8 कूलम और प्लस में 12 कूलम को दोनों का कनेक्ट कर दिए, आप बताओ कि चार्ज होने के बाद कहेगा कि दोनों में कितना चार्ज है, इस दोनों में कितना चार्ज है? 10 10। ऑब्वियसली कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे सर 8 है 12 है, दोनों को जोड़ करके आधा कर लीजिए इसमें और उतना ही इसमें भी कर दीजिए, सही बात है क्या? इसमें हो जाएगा हमारा प्लस में 10 कूलम और इसमें हो जाएगा हमारा प्लस में 10 कूलम, क्योंकि दोनों ही प्लस 8 है, प्लस 8 है, कोई सवाल इसमें? नो सर। चलो अच्छा, एक एग्जांपल अगर हम ऐसे ले ले, एक स्फीयर ये है और एक और स्फीयर ये है, ठीक है, इस पर अगर हम प्लस में 8 कूलम ले लिए हैं और यहां पर माइनस में 12 कूलम ले लिए हैं, तब बताओ अब बताओ क्या होगा? माइनस टू टू कैसे निकाले? प्लस 8 माइनस 12 बाय 2 कर लेते हैं सर, तो माइनस में 4 बाय 2, यानी कि माइनस में 2 कूलम, सिमिलरली इतना ही इस पे भी आएगा क्या? यानी कि हम कर क्या रहे हैं कि दोनों का चार्ज को सम करके आधा आधा बांट दे रहे हैं, इन कर रहे हैं जी। अगर हम कह दें कि इस पर चार्ज शुरुआत में Q1 था, बाद इसमें शुरुआत में Q2 चार्ज है, दोनों को हम कनेक्ट कर दिए, आफ्टर दैट दोनों पर चार्जेस कितने आ जाएंगे, हम कह देंगे सर कि इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, बाय 2 इस पर भी आ जाएगा, इसमें Q1 प्लस में Q2 बाय 2 आ जाएगा, कोई सवाल इस पे? नो सर। एकदम भारी था। अच्छा सर, no, इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जर्व करो इस पूरे ही कहानी में, वो ये बात ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या दोनों ही चार्ज एक दूसरे को आफ्टर कनेक्शन रिपेल करेगी, अट्रैक्ट करेगा? आफ्टर कंडक्शन कंप्लीटेड बोथ
sphere, spherical, repel करेगा body क्या कर रहा है हर कंडीशन तुमको दिख रहा होगा हाँ repel each other है ना दोनों को दोनों एक दूसरे को repel करेगा भाई देखो पहला शुरुआत में न्यूट्रल था ये था तब भी रिपेल कर रहा है बाद में देखो दोनों क्योंकि सिमिलर चार्ज आ रहा है दोनों में सिमिलर आ रहा है दोनों में सिमिलर आ रहा है दोनों में सिमिलर ही आएगा ना कोई सवाल नो सर तो जब कंडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये बात कह सकते हैं कि दोनों ही बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेगा बाद में किसी को भी इस पूरे ही कहानी में कोई डाउट है तो बताओ हम हर तरह के बॉडी को लिए थे शुरुआत में ये देखो एक चार्ज एक न्यूट्रल है एक चार्ज है दूसरा भी चार्ज है आइडेंटिकली चार्ज है यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज ऐसे एक एक छूट गया है ना एक निगेटिव निगेटिव वाला छूट गया वो बना दें है ना यहाँ पर माइनस एक 4 कूलम था शुरुआत में और यहाँ पर माइनस में 18 कूलम था दोनों को कनेक्ट कर दी अब बता दो क्या होगा माइनस 11 माइनस 11 हाँ यहाँ पर हो गया मेरे पास माइनस में 11 कूलम और ये भी माइनस में 11 कूलम हो जाएगा बाद में है ना फिर बैठ है ना इसके पूरे प्रोसेस होने के बाद ये 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 चीज हमको मिला है कोई सवाल किसी को नो सर मजा आ गया चलो हर बार रिपल्जन हो रहा है इतना तो समझ जा रहा है चलो हम इसको हटा दें यस सर अगला है हमारा बाय इंडक्शन प्रोसेस इंडक्शन होता है कि प्रेरित हो गया है कोई किसी को देख करके अच्छा लग रहा है कि उसके जैसा हो जाए इसीलिए हम कुछ सोच रहे हैं है ना तो इस इंडक्शन से हम दो तरीके से हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं बॉडी को अगर ये नहीं दिख रहा है तुम लोग को तो हम इसको पहले बता देते हैं आज तक तब होल्ड नहीं किया इसको दिक्कत है ये यहाँ से कनेक्टेड एक मेटल कंडक्टर से आप समझ लो सबसे पहले पहला मेथड से क्या कर रहा है पहले मेथड से क्या किए एक न्यूट्रल कंडक्टर लिए है यहाँ दिख रहा है क्या ये न्यूट्रल है ये अपना न्यूट्रल है शुरुआत में और उसके सामने एक चार्ज रॉड लग गया है देखो बहुत सारा गम है इसके पास है क्या यस सर इसके पास बहुत सारा गम है तो ये क्या कर रहा है ये जो गम है ये क्या बोलेगा कि तुम्हारे पास कि इसके ये अगर न्यूट्रल है तो ये क्या बोलेगा ये न्यूट्रल वाला बॉडी क्या बोलेगा कि मेरे पास गम भी नहीं है ना खुशी है यानी कि दोनों बराबर बराबर है क्या यस सर तो ये बोल रहा है कि कुछ खुशी हमको दे दो जो तुम्हारे पास खुशी है थोड़ा सा हमको दे दो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि सरफेस पर घूम रहे होंगे उसके इस तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा यहाँ मेरी वर्ड्स को ध्यान से समझो मेरा हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज का रॉड है ये क्या करेगा इसके सरफेस पर दौड़ने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा कहाँ के इलेक्ट्रॉन खींचेगा सरफेस पर क्यों क्योंकि कंडक्टर के अंदर में चार्ज होगा नहीं कहाँ पर चार्ज नहीं होगा अंदर क्यों नहीं होगा चार्ज क्योंकि कंडक्टर के अगर मान लो कि अंदर में तुम एज्यूम कर लो कि यहाँ पर दो चार्ज ले लिए ये दोनों चार्ज बोलेगा तुम दूर हटो ये बोलेगा ठीक है हट जाते हैं क्योंकि जगह तो है ही मूव तो कर ही सकता है इससे क्या होगा सारे चार्ज सरफेस पर आ जाएंगे यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन सरफेस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब के सब इधर की तरफ खिंचाएगा कोई दिक्कत है इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन हाँ इलेक्ट्रॉन अगर इधर खिंचाया तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जाएगा ज्यादा तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये हो जाएगा डेफिशिएंट जोन तैयार होगा क्या जिसको हम कहते हैं यहाँ पर पॉजिटिव yes, ऐसा जोन तैयार होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है हम वहां पर कह सकते हैं कि इधर बहुत सारा पॉजिटिव है निगेटिव है इधर कहीं ना कहीं पॉजिटिवली पॉजिटिव जोन बन चुका है जहां पर कि डोमिनेंट हो जाएगा गम कि मेरा इलेक्ट्रॉन देखो उधर चला गया सब गम में आता है ऐसा कह सकते हैं बात अभी कुछ नहीं हुआ बस ये इसके आते देखो सटा है क्या ये दोनों है ना इसके सिर्फ आते ही ये सब हुआ है क्यों क्योंकि ये प्लस वाला इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है अट्रैक्ट किया इसलिए तो दिक्कत है क्योंकि ये तो दूर से फोर्स लगा सकता है ना सट करके ही फोर्स लगाए को गारंटी थोड़ा है
अरे जी हाँ। अच्छा तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं आप, तुम लोग से ध्यान से समझना मेरी बात को, कि क्या ये चार्ज ने इस स्फेरिकल बॉडी को अट्रैक्ट किया कि रिपेल किया? अट्रैक्ट किया ना, अट्रैक्ट किया कि रिपेल किया? कौन? अच्छा यहाँ पर रिपल्जन भी तो हो रहा है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यहाँ देखो अट्रैक्ट भी हो रहा है, रिपल्जन भी हो रहा है, कौन ज्यादा डोमिनेंट होगा, अट्रैक्शन या रिपल्जन? अट्रैक्शन ना। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना। कहाँ ट्रांसफर हुआ? कौन सट गया? कहीं से सटा है क्या? ये दूर से ही चीज चल रहा है ये बात। हम कह रहे हैं ये जो रॉड है हमारा, जो पॉजिटिव रॉड है, अभी देखो स्थिति क्या हुआ होगा, एज्यूम कर लो इस साइड में यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का एक जोन बन चुका है, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का जोन बन चुका है क्या बॉडी के अंदर में? हम ऐसे करके दिखा रहे थे, है ना? इसका एक कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ चार्ज कह सकते हो यहाँ पर है। अरे ये चार्ज है ना, उसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास ऐसे होता था ना, वैसे हम सेंटर ऑफ चार्ज बोल रहे हैं, उसमें यह सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया। अब बताओ कौन ज्यादा डोमिनेंट होगा, अट्रैक्शन या ये रिपल्जन? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का रॉड है तो प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, और ये प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल कर रहा होगा। नेट क्या इफेक्ट आएगा इस पर, ये इधर आएगा कि ये इधर जाएगा? होने का तो कुछ भी हो सकता है, सवाल ये कि क्यों सर? हाँ नेगेटिव चार्ज जो है ये रॉड के ज्यादा करीब है, पॉजिटिव नजदीक है, नजदीक होने के चक्कर में इस पे जो फोर्स जो दिखेगा वो ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू रिपल्जन। दैट्स व्हाई दिस न्यूट्रल बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज रॉड एज वेल एज नेगेटिव चार्ज रॉड। क्योंकि अगर तुम नेगेटिव चार्ज के रॉड को रखोगे तो इधर पॉजिटिविटी आएगी, इधर निगेटिविटी आएगी, इसमें कोई सवाल है क्या सर? इसका मतलब इसके लिए अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए डिस्टेंस भी मैटर करता है। हाँ ये तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, है ना? अभी तो वही कूलम लॉ में पढ़ेंगे आगे, ठीक है? इतना तो सोचना है भाई इस बात को, है ना? डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा ही। तो एक बात तो तय हो गया कि भाई अट्रैक्शन ही होता है अगर न्यूट्रल बॉडी रहे तो। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? मजा आ गया? देखो न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि रिपल्जन ही श्योर टेस्ट है चार्ज का। याद आया? हाँ। यहाँ देखो चार्ज है ये, नहीं है चार्ज, फिर भी सर अट्रैक्ट कर रहा है, तब कैसे कर देंगे चार्ज है? चार्ज होने के लिए रिपल्जन होना जरूरी है, तभी हम कुछ बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। या तो कोई सवाल है, इसका कोई और एग्जांपल हो सकता है क्या? अभी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, अभी टेंशन नहीं लो, अभी यहाँ तक ठीक है ना? हाँ। अभी तो मेथड वन है, अभी मेथड टू भी है। अभी इसके बाद जब ऐसा कुछ हो गया था तभी इसके साथ में क्या क्या पीछे से इसको एक कंडक्टर से एक दूसरा एक न्यूट्रल बॉडी से इसको कनेक्ट कर दिया। ये शुरुआत में न्यूट्रल था, एक अदर न्यूट्रल बॉडी से इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जो इसका गम था वो सारा गम ये ले लिया, बांट लेगा आपस में गम, होगा कि नहीं होगा जी? अभी सीखे कंडक्शन से। अरे बोलो। हाँ यस सर। अभी सीखे कंडक्शन से कि जैसे ही हम इसको करेक्ट करेंगे तो इस दोनों के बीच में चार्ज कंडक्ट कर जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर होगा और इसका जो गम है वो इधर जाएगा, और बाद में क्या होगा कि जब हम इस रॉड को हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, ये देखो या फिर इसको रहने दो, इसके ऊपर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इस पे सिर्फ क्या रहा? नेगेटिव। क्या हो गया? दो अलग अलग जो न्यूट्रल था, देखो शुरुआत कहाँ से किए थे? न्यूट्रल से। क्या हो गया वो? चार्ज्ड। चार्ज करने का तरीका समझ में आया? ये वाला नहीं समझे सर। नहीं ना समझ में आया, इसीलिए हम दूसरे मेथड पे जाते हैं।
तब फिर पहले मेथड पे आएंगे सर। ये सर सेपरेट कैसे हुआ बस ये बता दीजिए। कौन सा इसको लास्ट में जो अलग अलग इसको काट तो कैंची से काट देंगे या हटा देंगे। हम ही ना सटाए थे, हम ही हटा दिए इसको। अरे उसमें अरे ये इसको हम हटा दिए, ये तो दूर है ही, इसको तो दूर ही रखे हैं। इसको हम जब सटा करके फिर हटा दिए, सटाए तो सारा इधर से इधर वो चला गया, फिर हटा दिए बाद में। अरे समझ में आ रहा है मेरा बात कितनी है? यस सर। हम कहां है? देखो यहाँ पर क्या स्थिति है कि एक बॉडी है ठीक है ना। हमने दोनों को कंटेक्ट एक तार से कनेक्ट कर लिया, ऐसे कनेक्ट कर लिया और फिर तार हटा दिया। दैट्स इट। अरे सर। यस सर। ज्यादा लोड नहीं लेते इस हमने, ठीक है, भैंस और असर पड़ा ही इसमें। आगे yes, बढ़े। मेथड टू है अपना, मेथड टू। सिमिलरली वही न्यूट्रल कंडक्टर लिया है, वही पहला वाला काम किया, इसको लाएंगे प्लस माइनस होगा। यहाँ पर एक नया काम हुआ है कि जो हम यहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले बता दो। सेकेंड स्टेप तक किसी को डाउट है? धर्मेश बाबू no, सर। और धर्मेश बाबू डीआईडी वाले, धर्मेश बाबू कोई डाउट नहीं है सर। हाँ चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, जैसे लाओगे भाई प्लस तो वो माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर निगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ पुश हो जाएगा। एक एक बात एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर से कुछ कमाल कर दिए हैं, यहाँ पर से जैसे ही था इस वाले सिचुएशन में देखो, यहाँ तक सब सेम है, एकदम कॉपीड, एकदम सब सेम पिक्चर चल रहा है यहाँ तक। देखो साफ दिख रहा है दोनों में, सेम है ना। इस वाले में क्या चेंज हुआ, ये जो हम कंडक्टर बाहर जोड़े थे, सॉरी कंडक्टर जोड़े थे ना, इसको हटा करके हम इसको उठा करके अर्थ से कनेक्ट कर दिए। ये है हमारा अर्थ, ये जमीन है, यानी यहाँ पेड़ भी है, यानी यहाँ पर कुत्ता घूम रहा है, ये अर्थ है। क्या ये अर्थ? ठीक है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अर्थ जो है इज वेरी बिग सिंक ऑफ चार्ज, है ना। क्या एज्यूम करते हैं? वेरी बिग सिंक ऑफ चार्ज एज्यूम करते हैं। अब बोलते हैं अर्थ जो है बहुत बड़ा गड्ढा है या समुद्र है, चार्ज का बहुत बड़ा समुद्र है। समुद्र से दो लोटा पानी निकाल लो या दो लोटा चार लोटा पानी डाल दो, क्या होगा? समुद्र का में बाढ़ आ जाएगा क्या? नो सर। समुद्र समुद्र है भाई। नो सर। जब हम बार बार समुद्र उमुद्र का बात कर रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में ये बात पटाक से क्लिक करना चाहिए कि चार्ज को भी माना गया था पहले फ्लूड, याद है ना। Yes, सारे एग्जाम्पल को वहीं से कलेक्ट किया गया, सारा एग्जाम्पल वहीं से कलेक्ट किया गया कि फ्लूड है, फ्लूड से हम और फ्लूड निकाल लिए, फ्लूड में और फ्लूड डाल दिए, फ्लूड फ्लो कैसे करते हैं, इस पर हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि हम चाय बुक पी रहे थे अब, ठीक है। अब ठीक है ना। कुछ बोल रहे आप, चले ठीक है यार बढ़ते। तो ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ को एज्यूम किया गया कि इसका पोटेंशियल जीरो है। क्या माना गया? हमने एज्यूम किया फिर से पोटेंशियल एक रेफरेंस है, वेस्ट एनर्जी है, याद करो हम लोग वर्कर जो खूब पढ़ते थे, हमने एज्यूम किया, हमने लेट कर लिया कि पोटेंशियल अर्थ का जीरो है, ठीक है। और जब हम इसको जीरो कह रहे हैं तो इससे तो यहाँ पर देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये हायर पोटेंशियल पर है क्या? अरे गम है, यानी गम हायर पोटेंशियल पर होता है ना। यस सर। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल पर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या होगा, इसको अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, बोलेगा कि तुम क्यों गम में रहोगे, हमारे पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तुम ले लो मेरे से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके बाद हम अर्थिंग को काट देंगे, देखो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया, मजा आ गया। yes, sir. कोई yes, सवाल आप बताओ, पहले में किसी को डाउट है तो yes, sir. No, sir.
सेकेंड में, सेकेंड में भी कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों ही मेथड में क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्मायनिक इमिशन के बारे में। हमने क्या किया, एक बॉडी लिया। अब थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हो जाएंगी, थोड़ा ध्यान समझना, क्योंकि हमको पता है कि एक मेटल कंडक्टर है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम उसको गर्म करके क्या कर दिए, चूल्हा पे चढ़ा दिए, बोले ये मेटल कंडक्टर चूल्हा पे चढ़ जाओ। अब चूल्हा पे चढ़ेगा तो बताओ कि उस मेटल कंडक्टर के बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है सर। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो क्या करेगा? मान लो कि इलेक्ट्रॉन अगर इस वैलेंस शेल में है ना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसमें एनर्जी दोगे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करता है क्या? यस सर। हो सकता है कि इन्फिनिटी नंबर ऑर्बिट में पहुंच जाए तो इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, और इसके बावजूद ये उड़ने लगे हवा में, इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके हवा में उड़ने लगे, एक कंडीशन ये बन सकता है क्या? इतना हीट कर दो मेटल को कि इलेक्ट्रॉन उड़ने लगे उसका, इतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तुम दे रहे हो भाई, है ना? उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऑर्बिट, ऑर्बिट टू ऑर्बिट, ऑर्बिट टू ऑर्बिट, जंप करके जाएगा काम। देखो जंप करके जाएगा कोई होना चाहिए ना, कोई अदर मटेरियल जो उसको अट्रैक्ट करे या कुछ भी। अरे नहीं नहीं, इसको एनर्जी मिल गया, तुम इसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन भाग गया सरफेस छोड़ करके, उड़ गया, जा रहा है अपना। लेकिन अब यहाँ पर अगर मान लो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये सरफेस क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया क्या? यस सर। यस सरफेस हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या हो गया, ये बॉडी चार्ज्ड हो गया क्या? हाँ। अब तुम्हारा इसके बाद का सवाल तुम्हारे ऊपर बचता है, तुम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर में कोई भी एक सेपरेटर से निकाल सको तो निकालो, या इलेक्ट्रॉन फिर वापस आएगा, क्योंकि तो प्लस वाला इसको बुलाएगा, कहाँ जा रहे हो मेरे पास से तू, लेकिन प्लस है, प्लस छोड़ेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। इसको बोलते हैं थर्मायनिक इमिशन, यानी कि हीट देने से बॉडी इजेक्ट आउट हो जाता है, बॉडी से बॉडी हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। कोई दिक्कत है तुमसे ये सवाल पूछेगा कि हीट देने से बॉडी कौन सा चार्ज होता है, बॉडी में होता है पॉजिटिव चार्ज। एकदम अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? आया नहीं आया तो अगला देखो। अगला है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद करो एक मैक्स प्लांक नाम के एक बाबा थे, कौन थे? मैक्स प्लांक नाम के बाबा थे, उन्होंने कहा कि लाइट जो फोटोन से बना होता है, फोटोन के पास एनर्जी होता है hν, याद है? ये फोटोन होता है। तो इसने बोला कि अगर हम, मेरी बात समझ में आ रही है कि आ रही है? Yes, sir. हाँ। अगर मान लो कि अगर हम एक मेटल का सीट ले लिया ना, मेटल का एक कंडक्टर ले लिया, मतलब कंडक्टर ले लिया, और इसके ऊपर फोटोन का फॉल करवा रहे, फोटोन गिरा रहे, इससे क्या होगा, फोटोन अपना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन फिर जंप मारेगा ऊपर भागेगा, बोलेगा कि अगर हम सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन सरफेस को ही छोड़ करके भाग जाए, ठीक है, इससे क्या होगा, फोटोन के कारण इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है क्या? और ये पूरा सरफेस क्या हो जाएगा तब? पॉजिटिवली चार्ज। क्या बात कर रहे हो, इसी को तो कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन खोजाता है इसको, अपने भाई भेड़ वाले बाल वाले बाबा आइंस्टाइन, ठीक है, 1905 में। कोई सवाल? अब बताओ थर्मायनिक इमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों एकदम सिमिलर है कि नहीं है? बस हमको किसी तरह से एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, मेटल वगैरह हमारा चार्ज। मजा आ गया? यस सर। यस सर। किसी को भी कोई डाउट है पांचों मेथड में तो बताओ, क्योंकि छठवां मेथड थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। चलो फिर से शुरुआत से बात करते हैं। पहला मेथड था फ्रिक्शन, यानी रगड़ रगड़ करके कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भेज दिए, हमारा फ्रिक्शन से चार्ज हो गया, कंडक्शन में एक बॉडी से दूसरे बॉडी को कंडक्ट करवा करके हम चार्ज कर दिए। तीसरे में था दिखा करके चार्ज कर दिए, इसमें यही था जी, इंडक्शन में सटाया भी नहीं है, देख लो ध्यान से, सटाया भी नहीं है ना, सिर्फ नजदीक लाए हैं, गए तुम देखो मेरे चक्कर में चार्ज हो जाओ, ये ऐसा चीज सिचुएशन यहाँ पर है। तो दिक्कत है, हीट देने से ये चार्ज हो गया, लाइट दिए तो चार्ज हो गया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो चार्ज हो जाएगा। अब ये थोड़ा ध्यान समझना, अगर कुछ कुछ पढ़े हो
पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना सिर्फ है, बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, एक मान लो कि मेटल कंडक्टर है, क्या ये मेटल कंडक्टर है, इधर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं तो बोलो ना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा तुमको ये फील्ड नहीं समझ में आ रहा था, हम ऐसे समझा दें, एक बॉडी हम इधर ले लेते हैं, बड़ा सा बॉडी ले लेते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस वाला क्या कर रहा होगा इस न्यूट्रल बॉडी से, ये न्यूट्रल है शुरुआत में, न्यूट्रल बॉडी से क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अब प्लस को इधर भेजेगा, बोलो सही बात, एकदम गलत बात है सर, कभी पढ़े ही नहीं सर ये सब, याद करो अभी इंडक्शन में यही तो हुआ था सर। यस सर। ना लेकिन ये इतना तगड़ा है, ये बॉडी इतना ज्यादा चार्ज्ड है, ये इतना चार्ज्ड है, ये इतना चार्ज्ड है कि मत पूछो कितना चार्ज्ड है, ठीक है, ये इतना चार्ज्ड है कि इसने इलेक्ट्रॉन को जितना जोर से खींच लिया कि सरफेस से छोड़ के भाग गया, मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी तो हो सकता है, नजदीक ला रहा था, सोच के देखो इस वाले सिचुएशन में अगर हम बात करें, रॉड को लेके आए, इसने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक जगह पे किया, लेकिन एक ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि इतना ज्यादा सर खिंचवा दीजिए उसको, इलेक्ट्रॉन को खींचिए लेंगे आज छोड़िए, है ना, सबको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, नहीं आ रही है थोड़ा ध्यान से, हम दिख रहे ना, यस सर, है देखो अगर हम अभी तक बोल रहे सर बॉडी में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी क्या होगा यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट को अचीव करेगा, इलास्टिसिटी पढ़े थे, उसके बाद ये बॉडी टूट जाएगा, है ना, यहाँ आगे बढ़े, संकल्प बाबू, शिवम बाबू, कोई सवाल, इसे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देखो सरफेस छोड़ करके उड़ गया, और सरफेस कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, क्या यस सर, यस सर, और हो गया फील्ड डिवीजन खत्म, हम आगे बढ़े, सर ये भी तो सर, हां बोलो 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 सर, ये भी तो सेम है, एक में लाइट देखे सर आप हटा रहे, एक में हीट देखे, इसमें चार्ज देखे, ये तुम कैसे हटाओ रे, हटाओ चार्ज करो, अरे वही तो सेम वन, यस नहीं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, लाइट नहीं दे रहे यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखे करना है, जो इंडक्शन प्रोसेस है, इंडक्शन का ही एक एक्सट्रीम लेवल का केस हो गया ये, यस सर, ना चलो अब आगे बढ़ते हैं, यस सर, अगला है अपना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्या है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना, कोई सवाल है, यस सर, इससे हम पता करते हैं कि कोई बॉडी में चार्ज है कि नहीं है, किस तरह का चार्ज है और किस तरह के फिनोमेना हो रहे हैं, बस इसे यही पता करते हैं, यहाँ पर क्या है, एक एक बेल जार है, इसके अंदर में यहाँ पर एक गोल्ड लीफ लगा हुआ है, गोल्ड लीफ समझा रहा है ना, ऐसे अरे मतलब मेजर ब्लेड देखे हो, दो ब्लेड लटका दिया गया है ना, दो ब्लेड लटका दिया गया है, वो ऐसा दोनों को ऐसे बांध कर टोन से, अरे उसमें दिख रहा है बात की नहीं यार, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, है देखो, है देखो, दिख रहा है, ये दो का चाबी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, सबको दिख रहा है दो चाबी, है ना, ऐसे करके दो को गोल्ड लीफ लटका दिया गया, दो को गोल्ड लीफ लटका दिया गया, अब गोल्ड लीफ काहे लटकाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिलियेबल होता है, पहला बात तो समझ में आना चाहिए, क्या होता है मतलब पीट पीट करके ना पूरा पतला से पतला कर दो, है ना, अरे उसमें और इस पे हम हल्का सा भी चार्ज दे देंगे तब हमको फटाक से ये रिपल्जन शो करके दिखा देगा, इसलिए हम सही और कुछ नहीं, ये नहीं सोचना कि हम अमीर है तो इसलिए हम गोल्ड लीफ यूज कर रहे हैं, गरीब लोग तो एल्युमिनियम फॉइल भी यूज कर सकता है, ठीक है, अरे उसमें यस सर, यहाँ पर एक ब्रास का डिस्क लगा दिया गया है, एक डिस्क है जो कि बस एक कंडक्टर है, पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया कंडक्टिंग बॉडी का, बाहर से ये इसका जो बेल जार, ये इंसुलेटर है, बीच में कॉर्क लगा दिया गया है, इंसुलेटिंग कॉर्क, इसे बस इतना ही है कि ये बीच का हिस्सा पूरा का पूरा कंडक्टर है, और बाहर से कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है कंडक्टिंग बॉडी से, जिससे कि चार्ज का कहीं से लीकेज ना हो सके,
ठीक है। अब सोच तुम्हारा फीलिंग आना चाहिए, जैसे तुम पॉजिटिव चार्ज दोगे इस पे, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज दोगे क्या होगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, दोनों ये दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, नहीं इतना बात नहीं समझ में आया। अगर तुम यहाँ चार्ज दे दोगे पॉजिटिव चार्ज, रिपेल कर जाएगा, हाँ यही होता है इसे, हाँ फटता, हाँ पता चल गया, हाँ चार्ज है, ठीक अच्छी बात है। अब आगे बढ़े, यस सर। बोल जी, हाँ यस सर, यस सर। जो लिखे थे इसे हम मिटा देते हैं, क्योंकि आई थिंक ये तुम लोग को सीट में नहीं मिला होगा, ये हम आज तैयार किए थे सर। हाँ हाँ बोलो। संस्कृत तो नाइन्थ में भी पढ़ना था, तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये क्वेश्चन। अच्छा आप देखो यहाँ, यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ इफ यू परफॉर्म बीज स्टेप वन बाय वन, एक एक करके तुम स्टेप्स लगा रहे हो, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज का एक रॉड लिए, है ना, इज अबाउट क्लोजर टू इनिशियली अनचार्ज नॉब। सोच के देखो, ये प्लस चार्ज को क्या बोला है, अबाउट क्लोजर, सटाया नहीं है इसमें, क्या किया, दूर से रखा है, दूर से रखा तो क्या होगा, ये सिर्फ दूर पे रखा है, ये निगेटिव होगा क्या, अरे बोलो हाँ यस सर। अरे धीरे में रखा है, इंडक्शन होगा पहले, पहले क्या होगा यहाँ पर, इंडक्शन, इंडक्शन होगा तो क्या होगा यहाँ पर, निगेटिव, यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रल है, अरे बोलो हाँ यस सर। कोई सवाल है किसी को? नहीं। इसमें तो एकदम नहीं समझ में आया, एकदम ऐसा कुछ बहुत बड़ा का तूफान मचा दिया सर अभी, ठीक। अगला कह रहा है देन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड इज टच्ड बाय द टच टू द नॉब। अब क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज को टच करवा दिया, इससे क्या हो गया कि पूरा में पॉजिटिव चार्ज हो गया। बताओ अभी जितना चार्ज होगा, ये तो न्यूट्रल वाला है, मान लो कि 10 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो 5 पॉजिटिव चार्ज इधर बन गया, अब इसके पास से तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ सकता है ना, अरे सटा दोगे तो क्या होगा, यस सर, तो वोल्टेज दोनों का सेम हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये इसके पास और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन तो जो भी था इलेक्ट्रॉन इधर खींचा गया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो तो अब खींचा जा चुका है, यहाँ पर भी अब क्या पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज, हर जगह पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, इससे क्या होगा, इसमें ब्लेड और भाग चुका होगा अब दूर, यस सर, ब्लेड और दूर भागा होगा कि इससे कम भागा होगा, इससे कम दूर भागा होगा, इससे ज्यादा ज्यादा भागा होगा, ज्यादा और चार्ज दे दिया और दूर भागेगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब तीसरी बार में कह रहा है कि नॉ पॉजिटिव चार्ज इज रिमूव्ड एंड द नेगेटिवली चार्ज रॉड को यहाँ पर रख दिया, इससे पूरा शुरुआत में पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव रॉड को हटा करके यहाँ पर निगेटिव रॉड दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि कुछ गम ये इसने अपने पास ले लिया होगा, इससे क्या होगा, ये लीफ नजदीक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। अब यही पूछ रहा है कि किस केस में नजदीक आएगा, सी में, मतलब यस सर, सी में। कोई सवाल? ये क्वेश्चन कर ही लें क्या? हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन है अगला, कुछ 5-6 बॉल है हमारे पास, ए बी सी डी ई है हमारे पास, 5 बॉल है ना, और सबके सब चार्ज्ड हैं, हमको ये आइडेंटिफाई करना है ये किस तरह के कॉम्बिनेशन है बने हुए, हमको ये बताना है यहाँ पर। तो कह रहा है कि ए जो है रिपेल करता है सी और अट्रैक्ट करता है बी को, ए है, बी है, सी है, डी है, ए डी, पहले डी ए बी सी डी भूल गए छोड़ो, है ना, ये क्या कर रहा है, समझना मेरी बात को ध्यान से, ए कर रहा है रिपेल सी को और अट्रैक्ट करता है बी को, ए सी को रिपेल कर रहा है, यानी कि दोनों का दोनों सेम चार्ज हो सकता है क्या, yes, रिपल, रिपल्जन हो रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, यानी कि अगर हम एक पहला कंडीशन लें कि ए अगर पॉजिटिव है तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, yes, और दूसरा yes, कंडीशन ऐसे लें कि अगर ए निगेटिव है तो सी को भी निगेटिव होना पड़ेगा, yes, sir.
और कह रहा है कि सी जो है ए जो है अट्रैक्ट करता है बी को अट्रैक्ट कर रहा है। ए अगर अट्रैक्ट कर रहा है बी को, इसका मतलब बी जो है निगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। यस सर। डॉग्स। यस सर। क्या बात हो गया सर, याद आया? अगर ए अट्रैक्ट कर रहा है बी को तो गारंटी थोड़े ना लेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है। और सिंपली अगर निगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है। कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। केसेस बनते जा रहे हैं, देख लो ध्यान से, ठीक है? ये हो गया पॉजिटिव, yes. और ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। इतने सारे केस बन गए हमारे पास अभी, सिर्फ पहले स्टेटमेंट से चार इस केस तो बन गए हमारे पास, कोई दिक्कत है? अब अगला कह रहा है कि बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, बॉल डी जो है अट्रैक्ट करता है बी को एंड हैज नो इफेक्ट ऑन डी ई। सुनना मेरी बात को ध्यान से, डी जो है ई पर कोई इफेक्ट नहीं तैयार कर रहा है, इसका मतलब ई न्यूट्रल है क्या? और डी भी न्यूट्रल है, तभी नहीं दोनों कोई इफेक्ट नहीं तैयार कर रहा है, है ना? ये दोनों आपस में न्यूट्रल है, कोई सवाल? तभी ना जी डी जो है ई को नहीं कुछ बोल पा रहा है, न्यूट्रल है तभी तो। यस सर। अब क्या बोला इसने, डी अट्रैक्ट करता है बी को, डी अगर अट्रैक्ट करेगा बी को तो बी तो भाई निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यस सर। यानी कि ये केस तो गया, यानी कि बी न्यूट्रल नहीं है। अगर बी अट्रैक्ट कर गया है डी को तो बी न्यूट्रल नहीं है। हाँ। अगर बी अट्रैक्ट कर रहा है डी को तो बी न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल वाला केस हम हटा दिए। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये वाला केस तो गया, ये दोनों केस गए। अब हमारे पास यही बचता है, पहला और दूसरा ऑप्शन। सेकंड है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हाँ सॉरी, अगला है अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड इज अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई। कह रहा है नेगेटिव चार्ज का रॉड जो है वो ए को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ए पॉजिटिव है और ई को भी अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये हिस्सा सही है क्या? एन कॉम्बिनेशन हो सकता है? यस सर। हाँ। अगर हम एक नेगेटिव चार्ज का रॉड को लेकर के आते हैं ए के पास तो ये अट्रैक्ट कर लेता है, नेगेटिव चार्ज का रॉड को लेके आते हैं ई के साथ में तो अट्रैक्ट करेगा, ये कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हमारे पास कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। नो सर। हो गया आज खलास खत्म।